देखिए कह रहे थे कि टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट डे इज द 14 डे ऑफ अ गिवन मंथ द इंफॉर्मेशन गिवन द लास्ट डे ऑफ द मंथ वॉज वेनजडे. नहीं जनाब इससे कोई फायदा नहीं है, हमें पता ही नहीं महीना 28, 29, 31 का है. द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज 17, इससे फ़ायदा है. क्योंकि देखें स्टेटमेंट वन अलोन इनफ, नहीं जनाब. स्टेटमेंट टू अलोन इनफ, हाँ जनाब. तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी. कैसे जी? अगर थर्ड डे सैटरडे 17 है तो सैटरडे को 17 तारीख है, 16 तारीख को फ्राइडे होगा, 15 तारीख को थर्सडे होगा और 14 तारीख को क्या होगा? वेडनेसडे होगा. हमारे लिए यहाँ पे स्टेटमेंट वन काफ़ी है. ऑप्शन सी लिखते अगर दोनों स्टेटमेंट चाहिए होती, ऑप्शन डी तब लिखते जब दोनों स्टेटमेंट से नहीं होता हमारा सवाल. ठीक है जी. अब कुछ लॉजिक इन्होंने पेपर में ज़बरदस्ती भी बनाई थी, जैसा कि आ गया था सेलेक्ट द पेयर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर. तो भाई लेफ्ट राइट अप डाउन से तो बिल्कुल अलग है ब्लू और रेड, तो इसका आंसर ब्लू एंड रेड हो जाएगा.